हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द टॉप 10 डेजर्ट्स, जो मरुस्थल हैं दुनिया भर के टॉप 10, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हमारे स्टैटिक जनरल नॉलेज का एक हिस्सा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि वर्ल्ड के जो बड़े डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, कंट्रीज के जोग्राफिकल एरियाज हैं, तो उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डेजर्ट्स क्या होते हैं? कोई भी इकोसिस्टम या कोई भी एक जगह जहां पर बारिश कम हुई है, तो जो स्टैंडर्ड एक आंकड़ा है उसके अनुसार कि अगर 25 सेंटीमीटर या 10 इंच से बारिश कम होती है पूरे साल में, तो उसको डेजर्ट बोला जाता है। तो डेजर्ट खाली सैंड ड्यून्स और जो आपके रेतीले जो डेजर्ट्स होते हैं, सिर्फ वही नहीं होते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं। सबसे बड़ा जो डेजर्ट्स हैं दुनिया के, वो कोल्ड डेजर्ट्स ही हैं। तो ज्यादातर हर कॉन्टिनेंट में, लगभग हर कॉन्टिनेंट में डेजर्ट्स हैं। कमाल की बात यह है, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न साइड में ही, ये एक अलग सा फैक्ट है, आप गौर करिएगा, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हमारा भारत है उसके भी वेस्टर्न, वो तो कंट्री है, लेकिन हमारे भारत में भी जो हमारा वेस्ट हिस्सा है, जो वेस्टर्न इंडिया है, उधर ही डेजर्ट है। तो एक ये भी एक कमाल का फैक्ट है। तो डेजर्ट्स दे कैन बी सैंडी, दे कैन बी आईसी। तो टॉप 10 डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे भारत में, भारत के जो डेजर्ट है वो टॉप 10 में नहीं आते हैं, तो इसलिए हम उनको अलग से मेंशन कर दिया है। भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार, जो कि राजस्थान में आता है, और ये पाकिस्तान में भी इसका काफी हिस्सा है। ये लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, फैला हुआ है, और ये वर्ल्ड का नाइन्थ लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। और भारत में कोल्ड डेजर्ट भी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ लद्दाख। ये हम आपको पहले के जो हमारे जनरल नॉलेज के वीडियोस हैं उसमें ऑलरेडी बता भी चुके हैं। तो चलिए अब अगले जो हमारे टॉप 10 डेजर्ट्स हैं दुनिया भर के, उनको देखते हैं, उन पर भी एक नजर मारते हैं। द फर्स्ट वन इज अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका को, जैसे मैंने बताया, कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, तो इसको डेजर्ट इसलिए माना जाता है कि यहां पर जो बारिश है वो 51 मिलीमीटर से कम होती है थ्रू आउट द ईयर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसकी टोटल जो ये फैलाव है इसका, वो है 13.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जैसा हम जानते ही हैं कि ये साउथ पोल पर अंटार्कटिक है पूरा, और ये सबसे कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट, सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, और सबसे मोस्ट आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ, क्योंकि यहाँ बसावट के नाम पर कुछ हजार लोग वहां रहते हैं, वो भी अलग अलग देश के, अलग अलग कंट्रीज के। वहां पर जो रिसर्च स्टेशन चल रहे हैं उनमें जो लोग बस रहे हैं, जैसे स्पेस स्टेशन में आदमी जाता है आता है, अलग अलग कंट्रीज के वहां पर रहते हैं, ऐसे ही यहां पर भी अलग अलग कंट्रीज के लोग रहते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो वो लोग, तो उनकी भी तादाद 1000 से 5000 के बीच में ही है। ये इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट स्टेशन कौन सा है अंटार्कटिका पे, अगर ये सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल आता भी है, कौन बनेगा करोड़पति में, अगर आपने देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, तो ये सवाल पूछा गया था। तो जो लार्जेस्ट स्टेशन है वो है मैक मुर्डो, और ये रॉस आइलैंड पर स्थित है। दूसरे नंबर पे आता है आर्कटिक, तो ये साउथ पोल पे है अंटार्कटिका, आर्कटिक हमारा नॉर्थ पोल पे है, एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये भी कोल्ड डेजर्ट है। और ये हमारा आर्कटिक डेजर्ट है, ये लगभग 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और यहाँ पर भी जो टोटल बारिश होती है, जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पर, जो टोटल बारिश होती है वो जो है 250 मिलीमीटर, यानी कि 10 इंच एनुअली, उससे कम होती है, और जो भी होती है वो स्नो की फॉर्म में होती है, और जो भी होती है वो भी स्नो की ही फॉर्म में होती है। तो किन किन कंट्रीज में ये पूरा आर्कटिक लगता है, ये पड़ता है अलास्का, कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया। थर्ड पे आता है सहारा डेजर्ट, तीसरे नंबर का आता है, लेकिन दिस इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, जो कि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट वो है सहारा। तो ये सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, लेकिन थर्ड ओवरऑल है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और ये 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और अफ्रीका के लगभग 31% जो अफ्रीका का एरिया है उसमें ये सहारा डेजर्ट फैला है। और जिन जिन कंट्रीज में ये लगता है, जिन जिन कंट्रीज का ये हिस्सा कवर करता है, वो है अल्जीरिया, चैड,
इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान एंड ट्यूनेशिया। तो आप देखिए इसमें भी देख सकते हैं जो मैप है, पूरा जो ऊपर का अफ्रीका का जो हिस्सा है पूरे में ये सारा डेजर्ट इसको कवर करता है। और इसको हम अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द वेस्टर्न सहारा, यहाँ वेस्टर्न सहारा से यहाँ शुरू होंगे, फिर अगहार के माउंटेन्स हैं, तिब्बत सी है, चैड और नाइजर में ही बेसिकली सब माउंटेन रेंजेस पड़ती हैं इस वाले एरिया में, और फिर ये लीबियन डेजर्ट हो गया। तो इन पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। इसके बाद आता है अरेबियन डेजर्ट, जो कि वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और लगभग पूरे सऊदी अरेबिया को कवर करता है। और बाकी जो कंट्रीज आती हैं इसमें, यमन से शुरू होता है, पर्शियन गल्फ की तरफ जाता है, ओमान, जॉर्डन और इराक तक ये पहुंचता है। ये लगभग 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, जैसे अभी आपको मैंने बताया। इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट। तो क्योंकि उधर से इजिप्ट के बाद और इराक तक, वहां तक सहारा डेजर्ट वहां तक पहुंचता है, तो उसको उसका एक्सटेंशन माना जाता है कि उसके आगे का हिस्सा। और इसके अंदर ये ओमान के पास पड़ता है रब अल खली, जो अरेबियन डेजर्ट है उसका ये एक हिस्सा जो है वो रब अल खली पड़ता है, ये ओमान के पास पड़ता है। और इसको सबसे लार्जेस्ट और ड्राइएस्ट सैंड डेजर्ट, मतलब सबसे ज्यादा जो रेतीला हिस्सा है वो है रब अल खली। बाकी जगह पे तो आपको थोड़े रॉक्स मिल जाएंगे, माउंटेन्स मिल जाएंगे, है ना, थोड़े पेबल्स मिल जाएंगे, लेकिन जो पूरा जो सैंड वाला जो पूरा एरिया है वो है रब अल खली। कौन कौन सी कंट्रीज में पड़ता है अरेबियन डेजर्ट? सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, यूएई, इराक, कतर और जॉर्डन तक फैला है। अगला है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है, अंटार्कटिका, आर्टिक और उसके बाद अब ये गोबी डेजर्ट। ये ईस्ट एशिया में पाया जाता है और ये नॉर्दर्न ईस्टर्न चाइना और सदर्न मंगोलिया तक इसका फैलाव है, उस इलाके में ये पड़ता है। जो ये गोबी डेजर्ट है ये चारों तरफ फैला हुआ है अल्ताई माउंटेन से और मंगोलिया के ग्रासलैंड से। बड़े बड़े जो ग्रासलैंड है मंगोलिया के फेमस, वो उसके नॉर्थ में है। टकला मकान पहाड़ियां हैं वो उसके वेस्ट में है, हेक्सी कॉरिडोर भी वेस्ट में है और तिब्बत प्लेट्यू उसके साउथ वेस्ट में है और नॉर्थ चाइना प्लेन्स जो है वो साउथ ईस्ट में है। अब इस अगर हम बात करें कि यह डेजर्ट क्यों बना, जो इंडिया का जो मानसून है फेमस वो ऊपर तक तो आता है लेकिन वो तिब्बत इतना हाइट पर है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता। तो उसको जब वो क्रॉस नहीं कर पाया था तो उस मानसून को वो रोक देता है और वो गोबी डेजर्ट तक नहीं पहुंच पाता इस इलाके तक, और यहां पर इसलिए बहुत कम बारिश होती है और ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। इट इज अ रेन शेडो डेजर्ट। की रेन शेडो, शेडो मतलब जो परछाई पड़ गई, परछाई किसकी पड़ रही है? तिब्बत की पड़ रही है। तिब्बत बारिश को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है मानसून को। तो इट इज अ रेन शेडो डेजर्ट फॉर्म्ड बाय द तिब्बत प्लेट्यू ब्लॉकिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम द इंडियन ओशन। और इसका जो फैलाव है वो है लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज कालाहारी। तो जो कालाहारी डेजर्ट है ये सदर्न अफ्रीका में पड़ता है, ये लगभग 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और ये बोस्तवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के पार्ट्स को कवर करता है। जो फेमस सवाना के डेजर्ट हैं वो इसका हिस्सा है और यहाँ पर डियर की प्रजाति, जो डियर है मृग उनकी प्रजाति, एलिफेंट, जिराफ, बहुत सारी बर्ड की स्पीसीज वो यहाँ पर आपको खूब मिलेंगी, शेर वगैरह आपको यहाँ खूब मिलेंगे। जो फेमस नेशनल पार्क हैं वो इसी इलाके में सबसे ज़्यादा पड़ते हैं। बोस्तवाना तो हाथियों के लिए जाना भी जाता है, सबसे ज़्यादा हाथी जो हैं बोस्तवाना में पाए जाते हैं, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, जायंट एलिफेंट्स। टेम्परेचर यहाँ पर बहुत वेरी करता है, एक्सट्रीम करता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और विंटर्स की नाइट्स में यहाँ पर 0 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट इज ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट डेजर्ट है। ये मिलके बने हैं बहुत सारे छोटे छोटे सैंड के हिल्स से, प्लेन्स हैं बहुत सारे फैले हुए दूर दूर तक, पैबल सर्फेसेस हैं एरिया जहाँ पथरीली जमीन, और लेक्स मिलेंगी जो कि बहुत ही सॉल्टी लेक्स हैं। और इसका टोटल एरिया लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये ईस्टर्न गोल्ड फील्ड जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है वहां से शुरू होता हुआ ग्वालर रेंजेस जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया में वहां तक जाता है।
एवरेज रेनफॉल यहाँ भी देखिए कितनी कम है, 200 से 250 मिलीमीटर पर ईयर। इतनी कम जो स्कार्सिटी ऑफ रेन है, इतनी जब कम बारिश होगी तो डेजर्ट बनना तो तय है, डेजर्ट की डेफिनेशन के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स बहुत आते हैं, बहुत ही कॉमन है, और पूरे साल में लगभग 15 से 20 थंडर स्टॉर्म ये एक्सपीरियंस करता है। अगला है पैटागोनियन। ये पैटागोनियन डेजर्ट बेसिकली अर्जेंटीना में है और इसका कुछ हिस्सा चिली में भी जाता है, और ये 8th लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑफ द वर्ल्ड, और इनका एरिया है लगभग 673,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये एंडीज माउंटेन्स जो है वेस्ट में उससे घिरा हुआ है, और इसके ईस्ट में है अटलांटिक ओशन। तो एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ ओशन है, उसके बीच में ये आपका पैटागोनियन डेजर्ट है। यहां पर लगभग 7 मंथ तक विंटर चलते हैं और 5 मंथ का समर होता है, और ये फेमस है बहुत ही ज्यादा यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए। नेक्स्ट इज सीरियन, सीरियन डेजर्ट। तो जो सीरियन डेजर्ट है उसको बादिया भी बोलते हैं, और ये बहुत ही पथरीली जमीन यहाँ पर है। सैंड ड्यून्स तो हैं कुछ इलाकों में, लेकिन सेमी डेजर्ट कहा जाता है इसको। और ये बहुत ही जो स्टेपे हैं ग्रासलैंड, लंबी लंबी दूर दूर तक फैली छोटे छोटे जो ग्रासलैंड होती हैं, बिल्कुल मतलब बंजर जमीन है लेकिन थोड़ी थोड़ी घास है, लंबा दूर दूर तक फैली हुई है, और बहुत सारी वहाँ पर पथरीली जमीन भी है। और इसका लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में बनता है। और ये किन किन को कवर करता है, ये पूरा साउथ ईस्टर्न सीरिया में है, नॉर्थ ईस्टर्न जॉर्डन लगता है, नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया और वेस्ट इराक में थोड़ा सा इसका एरिया लगता है। और जो जैसा बताया था हमने पहले कि अरेबियन डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट का एक्सटेंशन है, तो ये भी जो है शुरू होता है सीरियन डेजर्ट और ये मर्ज कर देता है अरेबियन डेजर्ट में। तो अगर आप एक तरीके से कहें तो सीरियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट लगभग मिलके एक पूरा कंप्लीट डेजर्ट बनाते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी लैंड जो है बहुत रॉकी है, ग्रेवल डेजर्ट है, पेमेंट बिल्कुल एकदम रॉकी है, छोटे बिल्कुल आपको दूर दूर तक पथरीली आपको जमीन मिलेगी, रास्ते मिलेंगे, बीच भी है, कहीं कहीं वादियां बनी हुई हैं जहां पर आपको कहीं पानी मिल सकता है थोड़ा बहुत, और थोड़ी छाएं वाएं मिलेंगी, चारों तरफ ऊंचे थोड़े बहुत पहाड़ है, उनके बीच में आपको वादियां मिलेंगी, वादियां मतलब जैसे वैली। अगला है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये अमेरिका में पड़ता है यूएसए में, और ये कोल्ड विंटर डेजर्ट है, और ये वेस्ट में ही जो नेवाडा है, प्रोविंस नेवाडा, ये ग्रेट बेसिन का हिस्सा है बेसिकली, और नेवाडा और वेस्टेज रेंज है उसके बीच में पड़ता है। और ये फेमस है अपने इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम के लिए कि जितनी भी इसमें बारिश होती है, जो बारिश होती है तो वो उसका पानी जो है वो समुद्र में नहीं जाता है, वो वहीं पर जो उनकी छोटी वैलीज हैं वो है वहीं वहां पर ही बह के चला जाता है, उसका पानी समंदर तक नहीं पहुंचता है। तो ये फेमस है अपने इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम के लिए। याद रखिएगा कोई पूछे विच डेजर्ट इज फेमस फॉर इट्स इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम, तो उसके लिए आंसर होगा ग्रेट बेसिन। और जो क्लाइमेट है यहाँ का वो भी बहुत ही एक्सट्रीम है, यहाँ पर भी आपको ड्राई समर्स मिलेंगे, हॉट एंड ड्राई समर्स, और कोल्ड स्नोई विंटर्स भी मिलेंगे, मतलब एक्सट्रीम है एकदम, 0 डिग्री तक चलाएगा, बर्फ भी मिल सकती है आपको खूब, और उसके बाद हॉट ड्राई समर भी होंगे जहां आप खड़ा नहीं हो सकते हैं उस वेदर में। और इसका टोटल एरिया है लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, एग्जैक्टली है 492,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम सेप्टेम्बर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जैसा कि हमने बताया है कि हर हफ्ते के जो आखिरी वीडियो होगा संडे वाला, फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग वीडियोस लाते हैं, तो जो संडे का वीडियो होगा दैट विल बी ऑन द करंट अफेयर्स, सेकंड हफ्ते के, पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी पिछले संडे डिस्कस कर चुके हैं, तो इस बार सितंबर के सेकंड हफ्ते के करंट अफेयर्स आएंगे। उसके बाद अगले वीडियोस में हम लोग स्टैटिक ज्योग्राफी जनरल नॉलेज उस पर ही वीडियोस और पोस्ट करेंगे। तब तक प्लीज हमारे चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।